पर्सनली मुझे बैग्स वो पसंद हैं जिनमें ढेर सारे सेक्शंस होते हैं, वो इसलिए क्योंकि फिर मैं कैटेगराइज कर सकती हूँ कौन से सेक्शन में क्या रखना है, एंड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग देन यू नो कौन से सेक्शन में देखना है. तो सबसे पहली वाली जो पॉकेट होती है उसमें मेरा आईडी कार्ड होता है विच इज अटैच टू द बैग. नहीं तो जी बैग में ढूंढते रहिए, और बिना आईडी कार्ड के तो ऑफिस में मिलने वाली नहीं है एंट्री. एंड द सेकंड थिंग जो फर्स्ट पॉकेट में मिलेगी वो है मेरी कार कीज. दोनों के बिना ना काम नहीं चल सकता. वैसे कुछ चीज़ों के बिना वाकई में काम नहीं चलता, कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं. अब यही बात आपको हनुमंत जी भी बताएंगे, जी हाँ पटियाला बेब्स की, जिनकी लाइफ में बबीता बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी पहली पत्नी को नहीं भूल पा रहे, और यही वजह है कि इन्होंने शराब का सहारा ले लिया है. नॉट द राइट थिंग टू डू, बट इंसान कुछ कह नहीं सकते. हे बबीता से आज हनुमंत जी आप पंगा लेने की बिल्कुल भी कोशिश ना करना, क्योंकि आज मिनी की मम्मी बेब्स आपको छोड़ेगी नहीं, एकदम धो डालेगी. जी हाँ हम ये बात एकदम होशो हवास में कह रहे हैं. हनुमंत को शराब पीने की आदत है और आज बबीता ने ठान ली है कि वो हनुमंत से शराब छुड़ा कर ही रहेगी. I will do whatever I wish to do. ऐसा है लाला भाई साहब, कह दीजिए इनसे मुझे ना चैलेंज ना दे. वैसे भी आज ही नेम्बे को मैंने बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन्हें आज शराब नहीं पीने दूंगा. और जरा देखिए इसके लिए बबीता का आइडिया भी कितना सॉलिड है. अब भी कहते हैं ना कि कोई भी चीज अगर अति से ज्यादा मिले तो उसकी वैल्यू नहीं होती है. फिर क्या, आज बबीता खूब शराब पिलाएगी हनुमंत को, देखते हैं वो कब तक शराब पी सकते हैं. अब क्या बोलूं, एक्चुअली जब किसी को किसी चीज की लत छुड़ानी होती है तो उससे वो चीज इतनी ज्यादा दे दो कि वो इंसान उससे बोर हो जाएगा और वो लत छूट जाती है. तो ये टेक्निक मेरे दिमाग में है तो मैंने सोचा चलो ये ट्राई करके देखते हैं. बबीता और हनुमंत के बीच चल रही बहस में मिनी बिचारी देख रही है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे. अब हनुमंत जी हार मान जाइए ना, क्योंकि बबीता के सामने आपकी दाल नहीं गलेगी बल्कि बबीता के भारी भरकम डायलॉग से आपको जितना नशा चढ़ा है वो सारा नशा उड़ जाएगा. देखिए मुझे लगता नहीं है क्या होता है, मुझे हो सकता है कि बबीता का ये जो पैतरा है शायद वर्क नहीं करे, बिकॉज कुछ लोग होते हैं सुधर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कभी नहीं सुधरते और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, तो मैंने सोचा आज बिगड़ जाओ थोड़ा. अब हमें तो पूरा यकीन है कि बबीता हनुमंत की शराब जरूर छुड़वाएगी, और देखना ये होगा जरूर होगा. मुंबई से निशी मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे.